अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का पकौड़ा। तो मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया, उसको पतले स्लाइसिस में कट कर लिया। उसके बाद हमने बेसन ले लिया है, बेसन 1.5 कप लिया। उसके बाद इसमें मैं नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दूँगी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ना तेल डाल दूँगी। उसके बाद पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। तो 20 मिनट होने वाला है तो ये बैटर तैयार हो गया और बैटर का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें एक एक पनीर का स्लाइसिस इसमें डाल के कोट करके उसके बाद पनीर को फ्राई कर लूँगी। तो एक एक करके सारे पनीर को तेल में डाल देती हूँ। तेल को हमने मीडियम हाई पे ही इसको हीट किया था, तो एक एक करके डाल दूँगी। तो ये सारे पनीर को मैं डाल दी तेल में। तो एक साइड से ये हो चुका है रेडी, कलर बहुत अच्छा आया है। उसके बाद ये दोनों तरफ से तैयार हो चुका है, ये मेरा फ्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए।